चित्रों में चाहते थे कि महाराज साहब हमारे ध्यान से चुनाव लड़ें। मेरी पूरी जानकारी में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, बाकी चूंकि महाराज साहब और उनका परिवार बरसों से गुना, शिवपुरी, अशोक नगर से जितना लगाव रखते हैं, जितना प्रेम और स्नेह रखते हैं, उतना अन्य क्षेत्रों में नहीं। इसलिए उन्होंने आपके प्रेम को देखते हुए अपने क्षेत्र को उम्मीदवार के रूप में चुना। अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी है कि उनके कद के अनुरूप हम इस चुनाव में रिजल्ट दें। महाराज साहब रायश्री में पिछले 50 साल से कांग्रेस जीता करती थी, इस बार क्या दैवी कृपा है, स्वामी जी भूल गया नाम, कांग्रेस बीजेपी कुछ थी नहीं विधानसभा चुनाव में पूरे गांव, अब उसमें भी बढ़ोतरी करना है बाबूलाल जी, उसमें बढ़ोतरी। कांग्रेस के कितने वोट निकले थे, 150 यदि वोट निकले थे तो 150 को घटा के 25 कर दो, कांग्रेस के वोट 25 से ज्यादा निकलना नहीं चाहिए। सच्चा समर्थक हम सिद्ध रायश्री वाले महाराज के सामने जब ही सच्चे सिद्ध होंगे, जब 25 अपना स्वार्थ भी है महाराज साहब से स्वार्थ, स्वार्थ मेरा स्वार्थ, मैं तुम्हारी सेवा तो पूरी कर दूंगा, तुम कहोगे गांव में झाड़ू लगा रहा, बाकी जो बड़े काम है, अभी मैं अभी 3 दिन पहले आए थे, जब भी बिजली की बात हुई कहीं नहीं खम्भे भी गड़ गए, ट्रांसफार्मर में बदल बात बना, बाकी नई लाइन गड़ना है, माने कोई भी यदि बड़ा काम है तो बड़ा काम तो महाराज साहब ही करवा पाएंगे। देवेंद्र जैन आपकी सेवा करेगा, देवेंद्र जैन आपके छोटे काम करेगा, अपन को यदि बड़ा काम करना है, एक प्रपोजल है हमारी कूने नदी पर बनने वाले डैम, कूने नदी पर जो डैम बनने वाले हैं आप अच्छी तरह समझ लो, पूरा पेपर्स भी है मेरे पास, समय सीमा बता नहीं सकता, 5 साल से 10 साल के भीतर हमारी विधानसभा के शिवपुरी ग्रामीण का एक गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पाइपलाइन या नहर के द्वारा सिंचाई ना की जाए, सिंचाई के लिए।